और धान के पोजीशन में रहेंगे, गिनेंगे नहीं। जय 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 जय
उसके झंडे का अनुपात तीन संबंधे दो है, या तो 3 फीट उसकी चौड़ाई है तो दो, मतलब दो लंबाई है तो हाँ, मतलब उसका मानक जो अनुपात में होना चाहिए ना, अनुपात ही होना चाहिए। तीन चौड़ाई है तो दो चौड़ाई है तो तीन लंबाई होना चाहिए, इस अनुपात में झंडे का होना चाहिए। अरे सर जी, पहले था कि आप सूर्योदय के बाद आपको झंडा फहराना है, सूर्यास्त के पहले आपको झंडा उतार देना है, अब नियम बना है कि आप 24 घंटा फहराए रहेंगे, इस पे क्या आपका फोकस है? इसमें तो पहले जो ये झंडा अधिनियम बना था, झंडा अधिनियम में ये जो था सुबह झंडे को फहराया जाएगा और सूर्यास्त होने के बाद उतार लिया जाएगा। बारिश होती है, बारिश में झंडा गीला नहीं होना चाहिए, कटा फटा झंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब 2022 में कुछ संशोधन हुए हैं, पहले इसका अधिकार ये खादी ग्रामोद्योग को था, केवल वही बनाता था, खादी के झंडे बनाता था। अब इसमें संशोधन हुआ, अब किसी भी कपड़े के ध्वज बन सकते हैं, लेकिन अनुपात में कोई संशोधन नहीं हुआ है, अनुपात वही होना चाहिए, तीन संबंधे दो ही होना चाहिए। ये जो जब सुबह फहराया जाता था शाम को उतार दिया जाता था वही तो ठीक था, लेकिन अब 24 घंटा रहेगा, कहाँ रहेगा, कौन उसका ध्यान देगा? इस झंडे का, तिरंगा का मान सम्मान तो मेरे देश का शान है, मेरे देश का ही मान है, तो फिर सरकार द्वारा ऐसा किया गया तो इसका अवहेलना नहीं हो रहा है? इसका तो नीति नियंता जैसे नियम बनाते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे, मतलब ये करें जैसे संशोधन किए हैं, लेकिन जो अभी तक जो नियम है उसको मैं बता रहा हूँ कि इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर ध्वज को ये मानक के विपरीत बनाया जाता है तो जो मतलब इसको वितरित करता है या जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। थैंक यू।